हाँ जी, पूरी क्लास सीधी बैठेगी और AS 23, ये पोटे ने इधर गलत छाप दिया हमारे इसने, ये इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स नहीं है, इट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, AS 23 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि द आंसर इज यस। सर इसका पास्ट का डेटा आप दे सकते हो क्या? इसका पास्ट का डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जो पुराने सिलेबस में था उसके अंदर ये आया करता था, और इस पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो समझ जाना तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्योंकि हमने इसमें 20 मार्क का क्वेश्चन भी डील करना है, तो वो मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। इसमें सिर्फ नोइंग वुड भी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पता रहेगा तो आप बिंदास होकर करके आ जाओगे, तो सुनते जाइए। बट बिफोर आई गो फर्दर, आज किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा था कि सर वो माइनिंग कॉइन वगैरह का, तो आपको कुछ आंसर देता हूं, आपने ध्यान से सुनना। यू विल गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू डू मेनी थिंग्स, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू डू सो मेनी थिंग्स, यस और नो? सो देर आर पीपल आई हैव सीन दैट दे गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, दे कीप डूइंग दिस एंड दैट, और फिर उसके बाद में लास्ट में वो कुछ एक चीज नहीं कर पाते। इस उम्र में ऐसा बहुत ज्यादा आपको ये लगेगा कि जिसके अंदर बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। बट अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम को ओपन करके दिखा दूं आपको कुछ बच्चों के जो मैसेजेस आते हैं। कुछ बच्चों ने अपने पापा के हार्ड अर्न्ड मनी को इन्वेस्ट किया ऐसे कोई चीजों में, एंड देन दे लॉस्ट द मनी एंड लॉस्ट द मनी, और फिर बोलते कि मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे ये करने की इच्छा हो रही है, वो करने की इच्छा हो रही है, सो एंड सो फोर्थ। मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं, विद्यार्थी जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से अपने आप को काबिल बनाना। शिक्षा आपको काबिल बनाती है, शिक्षा आपको यह बताती है कि धन का प्रयोग कैसे करना और उसको किस तरीके से यूज करना, कौन से कामों में लगाना। अगर पैसा कमाना एकमात्र तत्व होता तो जो करोड़पति लोग रहते वो कभी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, वो उनको शिक्षा लेने भेजते और बोलते कि बाद में आके इस बिजनेस को संभाल। तो बात ऐसी है कि किसी भी बड़ी चीज को हैंडल करने के लिए शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। पुराने दौर में बाहुबली मूवी देखते हो या बाकी के पुराने दौर में भी अगर आप देखते हो तो जितने भी लोग थे जो राजा महाराजाए थे, तो उन राजा महाराजाओं के बच्चों को शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। हर एक व्यक्ति उतना लकी नहीं रहता था। हम एकलव्य की जब स्टोरी सुनते हैं तब हमें पता चलता था कि एवरीवन वाज नॉट वेरी लकी। आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग दैट यू पीपल आर लकी बट यू आर नॉट रियलाइजिंग इट राइट नाउ। इफ यू आस्क योर हार्ट विल आंसर इट वेरी क्लियरली कि व्हाट योर पेरेंट्स वांट राइट नाउ। It wants you to study. What this nation wants you to do, it wants you to study. We were a poor country when our education or literacy rate was less. We got all the job profiles of all over the world when we had what? Education with us. Without education, you will not go very far. अभी लगता है एनर्जी है तो तुमको लगता है दोनों चीजें हो जाती, ये मिथ है, ये भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी भी आपकी एनर्जी है वो सारी की सारी पढ़ाई में लगाइए या अपने शरीर को स्वस्थ रखने में लगाइए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो बुद्धि अच्छी चलेगी, और फिर जो पैसा आपको लग रहा है ना अभी कमाने का वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कमाओगे आप। अभी के लिए पैसों की तरफ जब तक कि खाने पीने के वांदे नहीं है तब तक मुझे नहीं लगता कि आपने किसी भी पैसे की तरफ राह देखनी चाहिए। आपने सीधा सिंपल सा एक काम करना है कि यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। कैन आई आस्क इन दिस इंटेलिजेंट क्लास एनीवन हैज डन जॉब हियर? हाउ मच यू हैव अर्नड? हाँ, वॉलेंट्री? हाँ नहीं, पर कितने महीने काम किया आपने? 3 साल काम किया, और आपने कितने कमाए 3 साल में? 72,000 पर ईयर वो कमाते थे, राइट? आप पर मंथ? ओके, व्हाट डिड यू डू? CFM एंड यू यूज टू अर्न 35,000 पर मंथ। हाँ, okay, where did you work? No, which city? Huh? Bangalore. Okay, Bangalore is a different city, but I'm sure that 35,000 won't be sufficient there. Okay, now sit. I just wanted to bring to your notice that when chartered accountants were smart enough, and if you see that the kind of money they pay for working for the whole day and doing this, तुम्हें क्या लगता है अगर शॉर्टकट पैसा रहता तो लोग इतना काम करते क्या?
शॉर्टकट पैसा रहता ना तो इतने लोग काम करते क्या? नहीं सर, कोई शॉर्टकट नहीं, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत ज्यादा होशियार है इसलिए वो शॉर्टकट फॉलो नहीं करता है, उसको येड़ा मत समझो। तुम बोलते ना ऐसा, तुम्हारे को अभी फीलिंग आएगी, क्योंकि मेरे को भी इसी फीलिंग से दौर से गुजरा हूं कि पापा को नहीं समझता इन्वेस्टमेंट कहाँ करने का। तुमको लगता है कि तुम्हें समझता है, तुम्हें घंटा कुछ नहीं समझता, तुम्हारा बाप ज्यादा होशियार है तुमसे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, नहीं तो जो कमाई हुए पैसे है ना कहीं तो बर्बाद कर दोगे। अभी शिक्षा पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, बाद में करो ना जो करना है। जब आपको ऐसे लगेगा ना कि अभी खा पी कर तो जिंदा रह जाऊंगा, कि भाई अभी कमाने के वांदे नहीं है, जब तक कमाने के वांदे है ना खुद के पैसे लगाने का, खुद के पैसे जब तक नहीं कमाए इन्वेस्ट करने का सोचना भी नहीं। दिस इज द थंब रूल आई विल गिव यू, डू नॉट इवन थिंक, कितना ही लुक्रेटिव पोजिशन क्यों ना हो, जो आपकी मेहनत से नहीं आएगा उसका कोई फायदा नहीं है। और थोड़ा सा हो सके तो वॉरेन बफेट को सुनो तो आपको समझ में आएगी चीजें। चलिए AS23 का नाम लिखा, यस सर उसमें तो इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है, तुम तुम्हारा काम करो, मुझे कोई लेना नहीं देना, मैं नहीं करता मैं, और तुमको बता रहा हूं बहुत आराम से नींद आती है मुझे, बहुत आराम से रहता हूं मैं, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जिसमें करना है करो, जहां खड्डा कूद के कूदना है कूदो। सुना? हां जी, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड। पहले एसोसिएट कौन होता है समझ लेते हैं। सो एसोसिएट वो होता है जो स्टैंडर्ड के हिसाब से हैज अ पावर टू पार्टिसिपेट इन द ऑपरेटिंग एंड द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द एंटिटी। पावर टू पार्टिसिपेट कम्स व्हेन यू आर ओनिंग 20% और मोर ऑफ द शेयर कैपिटल बाय एंड लार्ज। जब कभी भी आपके पास 20% के ऊपर किसी कंपनी के शेयर है तो आपके पास कौन सा पावर आ जाता है? पावर टू, ये देखो इधर लिखा है, पावर टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एंड विच इज नीदर अ सब्सिडरी नॉर अ ज्वाइंट वेंचर। और ये सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस किसको बोलते हैं? पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टी बट नॉट कंट्रोल ओवर दोस पॉलिसी। कंट्रोल कब आता है बेटा जी? जब आपके पास मोर देन 50% है। और सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कब आता है? जब आपके पास मोर देन 20% है। तो जब आपके पास मोर देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर है तो आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे? आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर आपके एक डायरेक्टर को रिक्रूट कर सकते हो, तो वहां से आप क्या कर सकते हो? वहां की पॉलिसी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यस और नो? गुड, मुझे नहीं समझा। सो व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट इज एन एसोसिएट? सो एसोसिएट इज एन एंटिटी विच कैन एक्सरसाइज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब इन्वेस्टर कैन एक्सरसाइज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द इन्वेस्टी। नाउ व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? व्हेन यू हैव अ पावर टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द इन्वेस्टी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? पावर टू पार्टिसिपेट का मतलब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। डू यू हैव द पावर? इफ यू हैव अ पावर देन इट बिकम्स व्हाट? एसोसिएट। डू यू अप्रिशिएट? अब थ्योरेटिकली और भी तरीके हैं पावर के, बट अपने अकाउंटिंग लॉजिक से अपने को बहुत सिंपल है, 20% के ऊपर रहा अप टू 50% तो हम कौन बन जाते? एसोसिएट। गुड, तो मेरा काम यहां तक खत्म हुआ। अब फिर मैं सेकंड स्टेप बताता हूं, अकाउंटिंग में मैं डायरेक्टली कूद जाता हूं एसोसिएट समझ में आने के बाद में। तो एक बार ये लिखेंगे पहले, व्हाट इज एन एसोसिएट? चलो चलो जल्दी से, क्या बेटा? 20% और मोर देन 20%। एन एसोसिएट इज एन एंटरप्राइज, चलो चलो जल्दी लिखो, एन एसोसिएट इज एन एंटरप्राइज। ये रिलेटेड पार्टी में भी काम आएगा, AS 18। एन एसोसिएट इज एन एंटरप्राइज इन विच इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस, इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस investor has significant influence and which is neither subsidiary nor joint venture। joint venture के लिए लिख दो AS 27। ये इसके बाद का next standard, कल जो हम discuss करेंगे वो AS 27 है, joint venture। okay, तो जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है बट जो सब्सिडरी नहीं है, मतलब
या ज्वाइंट वेंचर नहीं है, इज दैट ओके? आगे लिख देते सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग लिखो बेटा, और ये इंपॉर्टेंट है लिख लेना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है। इट इज अ पावर टू पार्टिसिपेट, इट इज पावर टू पार्टिसिपेट, इट इज पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल, इट इज पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड और पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस एंड और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी, ऑफ द इन्वेस्टी, ऑफ द इन्वेस्टी बट नॉट कंट्रोल ओवर दोज पॉलिसीज। कंट्रोल्स अराइजेस फ्रॉम व्हाट माय डियर फ्रेंड? होल्डिंग सब्सिडरी, बट नॉट कंट्रोल ओवर दोज पॉलिसीज। आगे लिखिए, इट इज अज्यूम्ड दैट, इट इज अज्यूम्ड दैट व्हेन इन्वेस्टर होल्ड्स, इट इज अज्यूम्ड दैट व्हेन इन्वेस्टर होल्ड्स मोर देन, और सॉरी 20% when investor holds 20% or more than 20% of the voting power in the bracket directly or indirectly। अब ये indirectly क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, मतलब आपके एक कंपनी में आपका 9% है और दूसरी आपकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी उसके अंदर ओन कर रही है 20% 25%, तो यू आर एबल टू कंट्रोल मोर देन 20%, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, थ्रू सब्सिडरीज। देन आगे लिखे, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट क्या इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इट इज अज्यूम दैट इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, इट इज नॉट थ्योरेटिकल। तो इस बार की जो मॉड्यूल है आपकी स्टैंडर्ड की, मैं आपको बता रहा हूं, बेहद सुंदर है, पन्ने थोड़े ज्यादा है बट अगर आपको मौका मिले तो जरूर पढ़ना, कम से कम प्रैक्टिकल पार्ट बहुत सुंदर तरीके से दिया है, मतलब बेहतरीन तरीके से दिया है, काम किया है ऐसा लगता है S23 पर, बाकी के कट कॉपी पेस्ट किए हैं, मतलब पिछले बार के जो थे वही के वही कैरी फॉरवर्ड हो गए, बट इस पे काम हुआ है तो वेरी ब्यूटीफुल। सो आई विल रिक्वेस्ट यू दैट इन केस यू वॉन्ट टू रेफर अ मॉड्यूल फॉर दिस, यू शुड रेफर अ मॉड्यूल। नाउ लिसन टू मी, लिखिए एसोसिएट, फॉर अकाउंटिंग ऑफ एन एसोसिएट, फॉर अकाउंटिंग of an associate two standards are applied, ठीक है, for accounting of an associate two standards are applied in standalone parent। अब स्टैंड अलोन पेरेंट मतलब जैसे टाटा मोटर्स का इन्वेस्टमेंट है मोर देन 20% इन प्रिसिशन कैमशाफ्ट, सो इट इज नॉट अ सब्सिडरी, इट इज एन एसोसिएट। सो टाटा मोटर्स स्टैंड अलोन में आप कितने में दिखाओगे आपका, या वो किस तरीके से अकाउंटिंग करोगे? सो मैं आपको बता रहा हूं, AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वुड बी फॉलोड। समझे कि नहीं? माने स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AS 13 फॉलो होता है, ठीक है, बट अगर मान लो एंटिटी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब बनते हैं जब उस एंटिटी की कोई एक सब्सिडरी है, जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हो, सो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैं आपको बताता हूं AS 23 फॉलो होता है,
तो एस ट्वेंटी थ्री कहां फॉलो होता है बेटा? कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन में तो इट इज शोन एज एन इन्वेस्टमेंट एस 13 के हिसाब से। ये तो एस 21 में भी देखा था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एस 21। बट अगर हम स्टैंड अलोन में बोलेंगे तो कैसे दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट एस 13। यस और नो? सो एस 13 क्या बोलते हैं? जितने में एक्वायर किया उतने में दिखा दो, स्टैंड अलोन क्लियर है। अब जब एस 23 है वो कौन सा मेथड बोलता है? इक्विटी मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? इक्विटी मेथड। लिख लो विच मेथड? इक्विटी मेथड। चले भी आगे रसगुल्ले सुनो, सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। हाँ बेटा ये लिखा नहीं क्या? लिखो क्या डार्लिंग? हाँ, सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अब बहुत आसान जाएगा आपको, मुझे बताओ कंपटीशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं हम? सो हम लिखते हैं फिर कंपटीशन ऑफ गुडविल। सो कंपटीशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक सीआर लिख दूं क्या? सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब वो नहीं लिखेंगे यार, नेट एसेट रिप्रेजेंटेड बाय, डायरेक्टली लिखेंगे शेयर कैपिटल का जितना स्टेक है। एग्रीड? मतलब हम लिख रहे प्रोपोर्शनेट स्टेक ऑफ आर इक्विटी। इक्विटी माने नेट एसेट, नेट एसेट माने शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। सो कैन आई नॉट से प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल? ऐसी झूठी झूठी बातें मत करो, आप पहले ही ऐसे ही लेते थे। फिर आपको मैंने सिखाया था लेस करना प्री एक्विजिशन रिजर्व। प्री एक्विजिशन रिजर्व को हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रिजर्व ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। बोलो हां ये प्रिया, ये माइनस करने के बाद में ये क्या मिल जाएगा हमें? पॉजिटिव आया तो गुडविल, नेगेटिव आया तो सीआर। बराबर है? कान खोलो, खोला। मैं बोल रहा है गुडविल और सीआर इज नॉट रिकग्नाइज्ड। रिकग्नाइज मतलब कोई एंट्री नहीं होती, इल्ले एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, ओनली डिस्क्लोज, ओनली डिस्क्लोज कि गुडविल सीआर कितनी आई है। तीजा आयला झेप लगा नहीं? काय बोल लो मैं बोल रहा हूं उसकी एंट्री नहीं होती, मतलब बैलेंस शीट में फड़फड़ करते हुए मत जाके देखना गुडविल कहां है, गुडविल कहां है, नहीं दिखेगी गुडविल। सिर्फ क्या करना है? डिस्क्लोज कितना गुडविल है, इतना सीआर है। अभी जो डिस्क्लोजर का तरीका है वो चेंज हो सकता है। सो आपकी जो ये टेक्स्ट बुक है कंसेप्ट बुक, उसमें डिस्क्लोजर का तरीका अलग तरीके से दिया है, और जो आपकी मॉड्यूल का बुक है उसके अंदर डिस्क्लोजर का तरीका अलग से दिया है। मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगा, दोनों ही तरीके सही है। डिस्क्लोजर पाजी सुन लीजिए, परफेक्ट तरीका नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि गुडविल और सीआर शुड बी डिस्क्लोज, बात खत्म। अब वो डिस्क्लोजर के कुछ लोगों का एड्रेस करके दिखाते कुछ लोग, और कुछ लोग इन द ब्रैकेट दिखा देंगे, कबूल है? तो बेटा जी गुडविल और सीआर जो कुछ भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन तो बिल्कुल एस 21 के जैसे होगा, बट वो सिर्फ डिस्क्लोज होगा, इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड। आगे बढ़े, ये कौन से तारीख के दिन होता है? एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ ये, लिख दिया एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन होता है। फिर आगे लिखे सब्सिक्वेंटली, क्या हो बेटा ये लिखा नहीं? लिखो जल्दी से,
Shall we proceed? हाँ सुनो जी, देखो जी, सुनो जी, बता रहा हूं, फोकस बेटा जी। सब्सिक्वेंटली इक्विटी मेथड इज फॉलोड, ठीक है। तो इसको विजुअलाइज करना, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हम इक्विटी मेथड कैसे फॉलो करते हैं? सो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और मैं इधर लिख दूंगा गुडविल कितना है उसमें या सीआर कितना है उसमें, अलग अलग लिखने का तरीका है। सही है। फिर हम क्या कर देंगे, एड शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड होगा, लॉस क्या होगा, लेस। ध्यान रहे शेयर ऑफ प्रॉफिट में मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा, मैं प्री और पोस्ट दोनों लूंगा। पाजी एमआई याद आ रहा है क्या? मैंने बोला उधर लाइबिलिटी, किसी के बुक में वो असेट है। सो प्री और पोस्ट क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड, और पाजी लेस डिविडेंड पेड, प्रपोज नहीं है, मैंने क्या बोला पेड, कोई फर्क नहीं पड़ता प्री है कि पोस्ट है। देखो जो उनको देना है वो क्या कर दो उसमें ऐड, जो मिल गया उसमें से क्या कर दो लेस। कबूल है? फिर पाजी ये डिविडेंड पेड क्या कर देंगे, लेस। और इधर मैं और एक बोलूंगा लेस शेयर इन यूआरपी। तुम्हें याद है क्या माइनॉरिटी का यूआरपी माइनॉरिटी के शेयर में से लेस होता है? वैसे ही अगर यूआरपी रहा तो कहां से लेस होगा, इस इन्वेस्टमेंट में से लेस। यूआरपी शेयर ऑफ यूआरपी टोइंग लेस। और ये क्या आ गया आपका डिस्क्लोजर, AS 23 समाप्त। यप, अब इसके अंदर एक लॉस वाला ट्रीटमेंट वो बताना, फिर एक एक ट्रीटमेंट इसको करते करते जाना है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, अब वो तुमको आती है, फिर गुडविल कैलकुलेट करने के बाद में डिस्क्लोज कैसे होती है वो भी तुम करोगे, ऐसे करते करते फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, बात खत्म। बट मेजॉरिटी मेजॉरिटी इतना ही स्टैंडर्ड है। अब मैं इसकी आपको एंट्री बताता हूं, इन्वेस्टमेंट एक्वायर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू कैश पब्लिक बैंक। फिर सेकंड एंट्री बता रहा हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल अकाउंट। बोला फिर क्या होगा बेटा जी, डिविडेंड पेड एंट्री क्या होगी, कैश पब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट, क्यों सारे ट्रीटमेंट किसमें दे रहे हम, इन्वेस्टमेंट में। और शेयर इन यूआरपी हम क्या करेंगे, पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट। यूआरपी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेस होता था, याद करो। मैंने नहीं समझा, जल्दी से बता दो क्या करेंगे। फर्स्ट वन इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया, इन्वेस्टमेंट टू कैश पब्लिक बैंक। फिर दूसरा शेयर इन प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल, अग्रीड। फिर डिविडेंड डिक्लेयर्ड, कैश पब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट। डोंट टेल कैश पब्लिक बैंक टू डिविडेंड, कैश पब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट। कौन से पीरियड का डिविडेंड कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट आया हमने क्या किया, बिफोर डिविडेंड एड, और जब डिविडेंड मिल जाएगा तो कैश पब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट। और लास्ट वाले एंट्री का शेयर इन यूआरपी, हमारी एंट्री होगी पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट। यस, सो कितनी एंट्रीज पढ़ाई बाबू, चार। ये गुडविल जीआर सीआर की एंट्री क्यों नहीं, गुडविल सीआर की सब डिस्क्लोज करते, उसकी एंट्री इल्ले, तो फिर करो एंट्री, चार पांच एंट्री से कर। ए लिख दिया क्या तुमने? हाँ लिखो। सर कैन वी मेक इंप्रूवमेंट इन आर सेल्फ बाय चेंजिंग हैंडराइटिंग? द आंसर इज यस, इट इज कॉल्ड एज ग्राफोथेरेपी। बट इसके पीछे मेरे गुरु ने मेरे को एक चीज समझाई थी, वो समझा देता हूं तुमको। काय ताई काय होता है, मन लगता है घर जायचे, ग्रुप टू करता है? ओ हाँ, कुछ कुछ बच्चे रहते ग्रुप टू शुरू होने के पहले एक बार घर जाके आ जाता हूँ सर, मतलब ग्रुप बन गया अभी ग्रुप टू भी जाएगा। सरकास्टिक है, यस इट इज। हाँ डार्लिंग, ना इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट। सर वो इन्वेस्टमेंट में क्या ट्रीटमेंट आया ये बता दिया। अभी तुम बोलेंगे कैश पब्लिक बैंक तो कैश में जाएगा करंट असेट में, अगर तुम बोलेंगे कि सर डिविडेंड रिसीवेबल है तो डिविडेंड रिसीवेबल करंट असेट में जाएगा, वो ठीक है।
But I am talking about investment. In AS 23, I am only talking about how equity method works. So this is equity method. Equity method का rule क्या है कि जितना profit है, जितना मेरे को belong करता है, मेरे में add कर दो. और जितना तुमने मुझे दे दिया, वो less कर दो. बात करता. Are we done? So चलिए entry लिख लीजिए. हाँ, मरनीर. बता दूँ, ये entry लिखकर बताऊँगा. नहीं बताऊंगा, बाद में जा. पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट. टू कैश पब्लिक बैंक. अप्रिशिएट दिस. सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये एक्विजिशन की एंट्री हुई है ना. फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट. लॉस रहा तो उल्टा होगा बेटा एंट्री. सो शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री बता रहा था मैं. लास्ट लिख दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट. व्हाट इज द एंट्री? इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल अकाउंट. ये कितना लिखेंगे इन्वेस्टमेंट? शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली. शेयर ऑफ एसोसिएट. थर्ड डिविडेंड मिला. डिविडेंड रिसीव्ड. तो क्या करेंगे भाई? कैश पब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट. टू इन्वेस्टमेंट. ओ फिर झंडू बाम यूआरपी पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट. ओके पिल्लू. ES 23 ओपन करो. हाँ बेटू. ES 23 ओपन करो. क्वेश्चन बैंक ओपन करो. मॉड्यूल ब्लू कलर के. ब्लू कलर के क्वेश्चन नंबर 4. पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे जैसे मैंने आपको बताया. नहीं ना आवाज करो प्लीज. आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस एंड योर अटेंशन हियर. ए लिमिटेड एक्वायर्ड 45% ऑफ बी लिमिटेड. So B limited is an associate. B limited is an associate. And if A limited is preparing consolidated financial statements, then B limited ke andar jo investment hai, it would be accounted for using equity method of accounting. So on April 2021, and the price paid was 15 lakh. This is cost of acquisition. Following are the extract of the balance sheet of B limited as on 1st April. Matlab usi din. So, मतलब बेटा जी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है. बी लिमिटेड हैज रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 3 लाख एंड पेड डिविडेंड ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. कैलकुलेट द अमाउंट एट विच द इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड शुड बी शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड. अगेन द आंसर इज वेरी सिंपल. व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट आई विल से कॉम्पिटिशन ऑफ गुडविल और गुडविल और सीआर. सो गुडविल और सीआर कैसे कैलकुलेट होता है? देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कैन आई से 15 लाख? फिर हम करेंगे शेयर कैपिटल 10 लाख का 45% 4,50,000 एंड आई विल राइट डाउन रिजर्व्स एंड सरप्लस. आई विल राइट डाउन 6 लाख इंटू 45%. बराबर लिखा क्या बेटा मैंने? सो 6 लाख का 45% 2,70,000 कबूले? ये दोनों आइटम को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 लाख माइनस 4,50,000 माइनस 2,70,000 कितना आएगा? 7,80,000. ये क्या आ गई? गुडविल. क्लियर है? मैंने पूछा गुडविल रिकॉग्नाइज होती है कि डिस्क्लोज होती है?
अब इसको डिस्क्लोज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट 15 लाख, ओके, और उसके अंदर लिखेंगे गुडविल इंक्लूडेड 7,80,000। ये एक तरीका हुआ, दिस इज ऑप्शन वन। देर इज वन मोर ऑप्शन विच इज फॉलोड बाय मॉड्यूल, ऑप्शन टू। ये मॉड्यूल फॉलो करती है। मॉड्यूल क्या बोलती है कि लिखो पहले इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, आई विल राइट डाउन 7,20,000, एड गुडविल 7,80,000, या हम ऐसे करेंगे शेयर इन नेट असेट लिखते हैं इसको, शेयर इन नेट असेट, बराबर है। तो हमने क्या बोला कि भाई साहब शेयर इन नेट असेट 7,20,000 और गुडविल कितना है 7,80,000, तो मेरा आएगा इधर इन्वेस्टमेंट 15 लाख। बेटा जी मैंने रिकॉग्नाइज नहीं करा, मैंने सिर्फ डिस्क्लोज करा कि हमें नेट असेट 720 की ही मिली और हमने गुडविल का 7,80,000 रुपए दिया इधर, तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख का किया है। तो ब्रेकअप दिया कि आपने कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया इस इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के लिए, एग्रीड। अब इसके बाद में क्या करते हैं हम, एड शेयर इन प्रॉफिट, ये करंट ईयर का शुरू हो रहा है। शेयर इन प्रॉफिट बेटा जी मेरा कितना है 45%, सो कैन यू पीपल टेल मी 3 लाख का 45% कितना आएगा। 3 लाख का 45%, 1,35,000, और फिर मैं बोलूंगा लेस डिविडेंड रिसीव्ड। बेटा जी टोटल डिविडेंड उन्होंने पे कितना किया है 1 लाख, मुझे 1 लाख में से कितना मिला होगा 45,000, एग्रीड। तो 45,000 मैंने क्या कर देना है लेस, सो बेटा जी 15 लाख माइनस, नहीं सॉरी 15 लाख प्लस 1,35,000 माइनस 45,000, 15,90,000 ये मेरा इन्वेस्टमेंट दिखेगा। ये हो गया आपका कंसोलिडेशन। तो क्या बेटा जी आपकी गुडविल निकली 7,80,000, फिर क्या आपको ब्रेकअप दिखा, शेयर ऑफ नेट असेट लिखते हैं हम 720, एड गुडविल 15 लाख आया, एड शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस डिविडेंड पेड और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,90,000। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम नोटबुक में, चलिए फिर शुरुआत करते। पूरी क्लास को समझ में आया, सो लिखते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक सीआर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आवाज नको बेटा, 15 लाख लेस शेयर कैपिटल प्रपोर्शनेट 10 लाख है बेटा, 10 लाख इंटू 45% 4,50,000 लेस रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूडिंग एसपी 6 लाख इंटू 45% 2,70,000, सो 15 लाख माइनस 4,50,000 माइनस 2,70,000 7,80,000 इज व्हाट गुडविल। नोट लिखिए गुडविल विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड ओनली डिस्क्लोज्ड। सेकेंड पॉइंट अकाउंटिंग ऑफ एसोसिएट, अकाउंटिंग ऑफ एसोसिएट इन CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच मेथड यू यूज, इक्विटी मेथड,
So when you use equity method, हाँ बाजी, अकाउंटिंग ऑफ एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इक्विटी मेथड. सो व्हाट डू यू डू, पहले हम लिखते हैं शेयर इन नेट असेट ऑफ एसोसिएट. बेटा जी आपको निकालना पड़ेगा 15 लाख माइनस 7,80,000, 7,20,000, ये निकालना पड़ेगा. समझ में आया ना, ये दिया नहीं रहेगा. फिर हम क्या करेंगे, एड गुडविल. बेटा अगर सीआर रहेगा तो क्या करोगे, एड या लेस, लेस. सो 7,80,000 वर्किंग नोट नंबर वन, 15 लाख. तो हम कहेंगे दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगले साल से अब हर साल का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करेंगे, एड, एड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ब्रैकेट 1,50,000. 1,50,000 है ना, 3 लाख का कितना परसेंट है, 1,35,000. ओके, लेस डिविडेंड रिसीव्ड, 45,000 लेस 15,90,000 इज योर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 8 ब्लू, क्वेश्चन नंबर 8 ब्लू. Bright Limited acquired, oh sorry, Bright Limited acquired 20, A Limited acquired 25% shares in B Limited as on 31st March 21 for rupees 3 lakh. The balance sheet of B Limited as on 31st March 21 is given below. You have got share capital and reserves and surplus 5,510,000. Fixed asset है, इन्वेस्टमेंट है और करंट असेट्स है. ड्यूरिंग द ईयर 31st March 22 द फॉलोइंग आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल. इसका मतलब बेटा जी ये जो 31st March 21 है उसकी बैलेंस शीट दी हुई है, इससे गुडविल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. यस और नो? और हमने कितने में एक्वायर किया है, 3 लाख. सो कैलकुलेटर पर लीजिए, 10 लाख का 25%, 2,50,000, 3 लाख माइनस 2,50,000, 50,000 इज वॉट गुडविल. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका इतना है और आपका टोटल इक्विटी नेट असेट इतना है ना, 5 + 5 लाख. तो 10 लाख का 25%, 2,50,000 माइनस करेंगे तो गुडविल कितना आ जाएगा, 50,000. किसी को कोई इतराज, परफेक्ट. तो यहां तक तो आप कर लेंगे. फिर आगे क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 22 फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. ए लिमिटेड रिसीव डिविडेंड फ्रॉम बी लिमिटेड for the year ended 31st March 21 at 40% from the reserve. आपको टेंशन नहीं लेने का, तुमको क्या करने का, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो क्या करने का, एड, और जो डिविडेंड रिसीव है वो क्या करने का, लेस. अबे प्री एक्विजिशन है कि पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कोई नहीं, ट्रीटमेंट एक ही है, लेस कोएगा. आगे क्या, बी लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7 लाख. बेटा 7 लाख को क्या करेंगे, 7 लाख का 25% कितना आएगा,
1,75,000, ये क्या करेंगे? एड। और डिविडेंड कितना है बेटा जी? हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है उसका? 5 लाख का 25%, 1,25,000 इंटू 40%, क्योंकि डिविडेंड इज 40% ना बेटा, कितना? वापिस से बताऊं डिविडेंड कैलकुलेशन, 5 लाख शेयर कैपिटल पूरा हमारे पास नहीं है, हमारे पास कितना है? 25%। सो 1,25,000 हमारे पास है क्या? इंटू 40%, क्योंकि डिविडेंड रेट कितना है? 40%, कितना आ रहा है? सो 50,000 क्या करेंगे? लेस। पॉइंट क्लियर बेटा जी? बी लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट 50% फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 ऑन 34/2002। दिस इज नॉट डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022, इट इज मैक्सिमम प्रपोज्ड। नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहे? हमारा ईयर एंड कौन सा है इसके बाद में? ये 2021 है, फिर ये 31st March 2022 है ना। सो March 2022 में पिछले साल का डिविडेंड मिला, मतलब 21 का 22 में मिला, बराबर है? बट बेटा जी ये जो है ये अगले साल में रिसीव होगा ना, क्योंकि डिक्लेयर कब है? 34 का। ये एक्चुअली आपके लिए ट्रैप है, इसका कुछ नहीं करना है, ये झांसा है, ये प्रपोज्ड डिविडेंड है। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड इन द बुक्स ऑफ एसोसिएट। अगर रिसीव्ड हुआ तो माइनस करोगे, और प्रॉफिट हुआ तो क्या करोगे? ऐड। लास्ट के एडजस्टमेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। A Limited is preparing consolidated financial statement with accordance with AS 21 for its various subsidiaries. Calculate goodwill if any. कितना goodwill calculate किया आपने? 50,000. फिर next, how A Limited will reflect the value of investment in B Limited in the consolidated financial statement? So हम पूरा investment का treatment बता देंगे, क्या करेंगे हम? पहले cost of investment, agreed? और उसके अंदर share of goodwill. बात खत्म। फिर उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट बोलेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड, फिर डिविडेंड रिसीव्ड लेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका कितना आया था? 1,75,000 आया था क्या? और डिविडेंड रिसीव्ड कितना आया था? श्योर हो गया? एक बार ओरली आंसर निकालने का मजा ही अलग है। कैलकुलेटर पर लो, इन्वेस्टमेंट शुरुआत में कितना था? 3 लाख। एड शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने बोला 1,75,000, लेस डिविडेंड रिसीव्ड कितना? 50,000। कितना आएगा? तुम बोल रहे हो 4,20,000, ये 4,25,000। स्वीकार है क्या? बेस्ट है। और गुडविल आपने कितनी निकाली थी? ये इनके हिसाब से तो गुडविल नील है। क्या मिठे लोग है साले, जान खा जाते साले। ठीक है, करवा देते हैं ये भी, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी ट्रीटमेंट आता है तुमको। बट तुम्हारे आंसर तो मैच हो गए। चलो प्रेजेंटेशन इनका फॉलो कर लेंगे, इनके अपने बाप का क्या जा रहा है, चले लिख लेते। अच्छा मुझे बताओ डिविडेंड रिसीव्ड आप क्या करते हो? एड या लेस? श्योर हो ना? अच्छा किस तरह से लेस करते हो? तुम श्योर हो? तो जब इन्वेस्टमेंट से लेस करते हो तो वो पीएनएल में जाएगा क्या? नहीं। कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। तो तू उसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलकर लेस कर, या डायरेक्टली मेरा शॉर्टकट डिविडेंड रिसीव्ड माइनस कर। प्री एक ही पोस्ट है, बात तो एक ही है सर, मैं ज्यादा लॉजिकल बात कर रहा है, मैं ज्यादा लॉजिकल बात कर रहा है। ठीक है, बाढ़ में जाओ, मैं सही बोल रहा है, मान नहीं रहे मेरी बात। लिखो लिखो कॉम्पिटिशन ऑफ ओ गुडविल। तुम देखना ये कमीने लोग अपना ट्रीटमेंट चेंज करेंगे वापस। मूड ही अपना वाओ। हाँ जी, पहला क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना बोले बेटा? 3 लाख। फिर लेस शेयर कैपिटल
5 लाख इनटू 25% कितना आएगा? 1,25,000. और प्री एक्विजिशन रिजर्व, नहीं प्री एक्विजिशन वर्ड नहीं करेंगे अपन, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना बोलेंगे बेटा जी? 5 लाख इंटू 25%, 50,000 इज व्हाट? ठीक है, देन हम लिखेंगे अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. विच मेथड आर वी फॉलोइंग? इक्विटी मेथड. ओके, सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, नहीं कॉस्ट नहीं, शेयर ऑफ नेट असेट्स इन एसोसिएट. बेटा गुडविल 50,000 है, मतलब 2,50,000 हुआ क्या? फिर करेंगे ऐड गुडविल 50,000, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? इन एसोसिएट 3 लाख. एड शेयर ऑफ, शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन सी ईयर का? 2021-22. सो कितना है बेटा जी? 7 लाख है क्या? 7 लाख इंटू व्हाट परसेंटेज? कितना है? 1,75,000. फिर लेस डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमें निकालना पड़ेगा 5 लाख इंटू 25%. पहले हमारा शेयर निकला इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 40%, ऐसे निकालना पड़ेगा ना? कितना आएगा? 50,000. थोड़ी मॉड्यूल की तारीफ क्या कर दी है? साले रंग ही बदल दिए. कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस, टू लाख 50,000 कैसे आया? 3 लाख है बेटा, 3 लाख, और उसमें गुडविल है 50,000, सो नेट असेट हुई 2,50,000. ये मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, उसके पहले भी बताया था 15 लाख था, 15 लाख, 7,80,000 था गुडविल, 7,20,000 वॉज वैल्यू ऑफ नेट असेट. 15 लाख का ब्रेकअप कर रहे, दैट्स इट. चलिए अभी लिखिए नेक्स्ट थर्ड, अकाउंटिंग ऑफ डिविडेंड अकाउंटिंग ऑफ डिविडेंड अकाउंटिंग ऑफ डिविडेंड लिखिए पांडे जी. सो लिखिए फॉर द डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, इन द ईयर 2021-22, बराबर लिख रहा हूं ना भाई, इसमें डेट्स बहुत ध्यान से देखने पड़ते, बराबर लिखा मैंने, राइट, विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. बेटा इसका कोई सेंस है क्या पी एंड एल अकाउंट में दिखाने का?
मॉड्यूल ने जबरदस्ती अदर इनकम को घुसेड़ा, मैं जबरदस्ती कंफ्यूज कर दूंगा तुमको। क्या सेंस है जब आप एंट्री जानते हो कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बात खत्म हो गई। हम इनकम को घुसेड़ी क्यों रहे? हाँ, अगर किसी वो पोटे ने डिविडेंड रिसीव्ड है और उसको पता नहीं है, तो उसने क्या लिख दिया, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट, उसने पी एंड एल में डाल दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर, पी एंड एल में से लेस कर और उसको इन्वेस्टमेंट में से क्या करना पड़ेगा, लेस। ये हम कंसोलिडेटेड पी एंड एल में भी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी करते थे, सीओसी में से लेस और नोट नंबर 5 से लेस, याद आ रहा है क्या? सेम ट्रीटमेंट है। नाउ नेक्स्ट, डिविडेंड फॉर द ईयर 22-23 इज ओनली प्रपोज्ड, बराबर है ना, इज ओनली प्रपोज्ड, नो ट्रीटमेंट फॉर सेम इज रिक्वायर्ड, नो ट्रीटमेंट फॉर सेम इज रिक्वायर्ड। डिविडेंड लेस करने का लॉजिक प्लीज बता दो। मैंने बताया बहुत बार, फिर से एक बार बता देता हूं पाजी, इट इज लाइक अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी थी, जैसे ही कुछ पैसा उसमें से हमने पे कर दिया तो हमने लाइबिलिटी को कम कर दिया, बराबर है। उसी लॉजिक से हमारे इन्वेस्टमेंट में हमने हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या कर दिया, ऐड, तो हमने कहा ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, बट उसमें से कोई पैसा मिल गया तो माइनस कर दो। अभी फॉर एग्जांपल आपका डेटर है 5 लाख का, आपको उसमें से मिल गया 40,000, तो 40,000 आप डेटर्स में से लेस करोगे कि नहीं? सो वैसे ही आप क्या कर रहे हो, हर साल आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्विटी मेथड से क्या कर रहे हो, ऐड, और जो डिविडेंड मिल जा रहा है उसको क्या कर रहे हो, लेस। इतनी सी तो बात है, माय पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन, श्योर? बेस्ट है। नाउ रसगुल्ले बच्चे चले, वो बात बता नहीं क्या, ठीक है, एक पेपर दे रहे, if you can understand the graphology principle works on one thing, that your whole notebook is your life and you have a blank page every day, every 24 hours you get a blank page, you can write whatever you want, and your whole notebook is what, your life. Now my guru used to explain me ki graphotherapy works, graphotherapy works, yes, but some of the people take it in a completely wrong manner, डिस्टॉर्टेड मैनर, एंड द डिस्टॉर्टेड मैनर इज व्हाट आई विल टेल यू। उनको लगता है कि कोई भी चीज कर लो, अभी कुछ भी कांड कर लो, उसको रेक्टिफाई कर लो, तो बोले वो ठीक है, होता है रेक्टिफाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है। सो somebody asked कि ऐसा ऐसा किसी ने कर दिया तो फिर हो जाएगा क्या, तो he said technically yes, but then he explained me one logic, तो he said कि पेपर है, राइट? अब ग्राफोथेरेपी कैसे काम करेगा कि इस पेपर में आपने कुछ कांड कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, दिस इज हाउ यू हैव मेड योर लाइफ। तुम बोलोगे सीधे हो जाएगा क्या, हो तो जाएगा सर, बट इट कैन नेवर रिगेन द ओरिजिनल शेप। जितने भी धर्म गुरुज है, जितने भी लोग हैं, और मेरे को वो अब चीजें समझ में आती है जब मैं उनकी बातें सुनता हूं, पहले नहीं समझ में आती थी, अभी पेपर स्ट्रेट तो हो जाएगा, बट इट कैन नेवर बी द ओरिजिनल। और जितना ज्यादा आप इसको फोल्ड करेंगे, जितने लंबे समय तक आप उस हैबिट्स में रहेंगे, उतना इसको सीधा करना मुश्किल है और एकदम प्लेन बनाना मुश्किल है। आप अभी इसके ऊपर जो चलाना है चला लो, रोलर वगैरह वगैरह वगैरह, प्रेस करके देख ले, ले जा मेरे से, स्टिल इट विल नॉट बी द सेम लाइक द ओरिजिनल वन। द पॉइंट विच आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू वॉज, आई हैव बीन लिसनिंग टू मेनी पीपल नाउ डेज, एंड एवरी वन टेल्स दैट कि यू शुड टेक एनी डिसीजन कॉन्शियसली। कॉन्शियसली का मतलब समझते हो आप, होश में। इट शुड नॉट बी अ डिसीजन विच इज ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, इट शुड बी अ कॉन्शियस डिसीजन। I'm not going into the morality of the decision. I don't care about what that. That's everyone's life, everyone has to take, and there is nothing for me good and bad. But when you take the decision
in a conscious way. Majority of the time, a person doesn't get what he wants because he is not conscious of what he is doing. He is just doing anything just because he is programmed that way. मतलब जिस जगह पे वो रहता है करता है उसी तरीके से जब वो काम करने लग जाता है तो कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता है. इसके ऊपर बंदरों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए कई सारे गरीब लोगों पर. गरीब लोगों का बिहेव करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है. वो एक बुक है ना, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है कि ऐसे ही सोचते हैं और फिर उनकी पूरी जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही सोचती है. एंड व्हेन यू ब्रेक दैट पैटर्न यू सी वंडर्स हैपनिंग इन दैट. So the point is, you have to always do anything and everything consciously. So that is the reason majority of the people who are, you know, जो बहुत level तक पहुँचे हुए, वो से question everything. That doesn't mean that you have to be arrogant. When you are talking to yourself, when you are there with yourself, question everything. Don't believe on others. अभी आपको मैं एक छोटी सी राय पूछता हूँ, बुरा मत मानना. वैसे नहीं मानोगे क्योंकि तुम मेरी बात से सहमत हो जाओगे. आप मुझे बताओ कैसे पढ़ाई करना है. ये निर्णय आपने लिया ही नहीं, ये निर्णय किसी और ने आपके लिए लिया था. जाके चेक कर लीजिए, आप अपने दिल को शांति से पूछिएगा कैसे पढ़ाई करना है. ये निर्णय आपने मेजॉरिटी लोगों ने लिया ही नहीं, ये आपका निर्णय सबकॉन्शियसली किसी और ने ले लिया. शायद किसी यूट्यूब वीडियो ने, शायद किसी सीनियर ने, शायद आपके पेरेंट्स ने, शायद किसी टीचर ने, शायद किसी आपके दोस्तों के समूह ने जो कर रहे थे. आपने कभी भी कॉन्शियसली उस पर काम किया ही नहीं. तो आप मुझे बताइए उसका रिजल्ट अच्छा या बुरा आपके मर्जी के हिसाब से आता ही नहीं, आएगा ही नहीं. क्योंकि जो आप सोच विचार करते हो वो सोच विचार आपके ड्रीम इंडिपेंडेंट है, वो बाकी के लोगों के जैसे नहीं है. उनको तो पता भी नहीं आपके ड्रीम्स क्या है. बट जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो उनके थिंकिंग का मिलेगा, उनके एफर्ट्स या उनके डायरेक्शन के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि काम तो आप वही कर रहे हो. सर मेरा भरोसा मानिए, मेजॉरिटी लोग, अगर आप मेरिट रैंकर्स के इंटरव्यूज देखेंगे, मैंने लिए काफी सारे मेरिट रैंकर्स के इंटरव्यू, और जब मैं बैठता था तो उनको बोलता था बकवास मत करना, मेरी तारीफ नहीं चाहिए मुझे, मुझे सच सुनना है क्या है. एंड देन यू विल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट कि जो हम सुनते हो हर बार सच नहीं होता है. ये मैं दावे के साथ बता रहा हूं, जो आप सुनते हो ना वो हर चीज सच नहीं होती है. पाजी पहला स्टेप है कॉन्शियस थिंकिंग, कॉन्शियस डिसीजंस. टेक द डिसीजंस, डोंट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग, डोंट वरी अबाउट पास या फेल, डोंट वरी अबाउट क्या होएगा. अबे पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो तेरी स्ट्रीमलाइन कर, उसके लिए कॉन्शियस थिंकिंग आना जरूरी है. सो ग्राफोथेरेपी से ठीक हो सकता है क्या? हो तो सकता है, बट उससे बेहतर तरीका है तुम्हारे पास. ग्राफोथेरेपी से बेहतर तरीका हैव कॉन्शियस थिंकिंग. समझे? डोंट थिंक व्हाट अदर्स आर मेकिंग यू टू थिंक. ये सच है आज की तारीख में. तुम्हें पता है मैं भी जो आजकल बातें करता हूं ना, ये जो मैं पढ़ता हूं या जो मैं सुनता हूं उसके बेसिस पर मेरी बातें आती है. उसके बेसिस पर मेरी बातें आती है. तुमको उस दिन इतनी ज्यादा चोट लगेगी तुम्हारे लाइफ में, अभी तक तो कुछ लगी नहीं है, जिस दिन तुम डिसाइड करोगे कि मुझे कुछ अलग करना है, जिस भी दिन डिसाइड करोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को समझाना, या स्पेशली अपने नियर एंड डियर वंस को समझाना आप ऐसा क्यों कर रहे हो. क्योंकि वो एक्चुअली ऐसा नहीं कि तुम्हारे दुश्मन है, वो शिकार है कि वो भी सोच नहीं पाते हैं और वो आपकी थिंकिंग समझ नहीं पाएंगे. आज एक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली है मैंने, बहुत प्यारी बात बोली वो साहब ने, हो सके तो देख लेना. हाँ देख ली, ठीक है. चलो अभी आगे क्वेश्चन नंबर 7. क्या बोले तो उसके अंदर मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं याद आ रहा, तो उसने बोला कि व्हाट इज वन थिंग विच अदर्स हैव बट यू आर ओके टू नॉट हैव इट. सो देन दिस गाय सेज दैट आई एम ओके इफ आई एम बीइंग मिसअंडरस्टूड. आई एम ओके, अर्लियर आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन पीपल यूज्ड टू अंडरस्टैंड मी, बट आई एम नाउ कंप्लीटली ओके दैट इफ समबडी मिसअंडरस्टैंड्स मी इट्स फाइन. आई मीन इट्स परफेक्टली फाइन एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट. मेरे को भी ये चीज समझते समझते बहुत टाइम लग गया. हमें ऐसा लगता है कि हमारे हर एक एक्ट को स्वीकृति चाहिए होती है, हर एक एक्ट को स्वीकृति चाहिए. तुम छोटे थे तब ऐसे नहीं थे, तुम्हें कुछ करना होता था मम्मी बोलती थी ऐसे करो, तुम नहीं मानते थे. तुम्हें ओके था, मम्मी तुम्हारी इतनी प्यारी है, तुमसे इतनी क्लोज है, बट उसके बावजूद भी तुम कांड करते थे. यू आर ओके टू बी मिसअंडरस्टूड एंड यू हार्डली हैड एनी इश्यूज एंड दैट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ, इजंट इट. और तब तुमने हर एक काम जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया वैसे नहीं किया. स्वेच्छा से मेरी बेटी के जन्म के पहले
हमने एक गर्भ संस्कार शिविर किया था, मुझे आज भी याद है कि उसके अंदर कुछ चीजें सिखाई थी। तो हमारे घर में उसके पहले जब भी बच्चे होते थे सो दे यूज टू हैव अ वॉकर फॉर देम, वॉकर, और हमें ऐसा लगता था कि हम बच्चे को चलना सिखा रहे हैं। ऐसा वॉकर होता है ना जिसके अंदर बच्चे को डाल दो फिर वो चलते रहता है किधर भी एड़े के जैसा, राइट? सो देन दे सेड दैट इट इज नॉट करेक्ट, यू शुड नॉट हैव दिस, एंड दे हैड देयर साइंटिफिक एविडेंस एंड लॉजिक, एंड आई विल टेल यू आई हैव सीन माय डॉटर पलटी मारने में हमने कभी उसको हेल्प नहीं किया, उसको बैठने में कभी हेल्प नहीं किया, उसको बोलने में कभी हेल्प नहीं किया, उसको किसी भी एक्टिविटी में फिजिकली उसको कभी हेल्प नहीं किया, एंड वी वर सो फॉर्चुनेट इनफ टू सी हर एवरी लिटिल मूव हाउ शी डिड इट। मतलब वो बैठने, ये जो ऐसे था ना रेंगते है जिसको, वहां से बैठने तक का सफर इतना ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल। वो पहले राजा महाराजा के जैसे बैठने लगी ऐसे आड़ी ऐसा, एंड फ्रॉम देयर इन शी सैट लाइक दिस आफ्टर फ्यू डेज। सो फॉर फ्यू डेज शी सैट लाइक दिस एंड वी सॉ हर थ्रू आर ओन आईज हाउ शी स्टार्टेड स्टैंडिंग, हाउ शी स्टार्टेड वॉकिंग। हमने कभी एफर्ट नहीं लिया उसको खड़ा करने का, शी डिड इट ऑन हर ओन, एंड दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। एवरी वन इज बॉर्न विद देयर इनर इंटेलेक्ट। धीरे धीरे इतना मलिन हो गया वो सब चीजें, लोगों ने इतना भड़ी मार किया कि बच गई बार, अब तुम पहचान ही नहीं पाते हो तुमको कि तुम थे कौन, तुम बन गए क्या, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम्हारे डिसीजन तुम ले रहे हो कि तुम्हारे ऊपर जो संस्कार हुए वो ले रहे हैं, फर्क पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, आ जाओ बाबू, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पैसे मैंने पढ़ाने के लिए लिए है। क्वेश्चन नंबर 7, बाप रे बाप, सिमरन मेरे सामने मत बोल प्लीज, तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, मत बोल मत बोल, मुझे बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है। नहीं नहीं, वो बोल रही है कि आई वॉन्टेड टू गो इन अ डिफरेंट फील्ड बट माई डैड डिड नॉट एग्री। तूने मजाक में ले लिए, सामने है क्या, बड़ी बात है। जीवन का अगर आप रिटायर हुए 60 साल की उम्र में, 60-65 साल की उम्र में अगर आप रिटायर हुए तो जीवन का 45% टाइम या 45 इयर्स ऑफ योर लाइफ, 40 इयर्स ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग टू स्पेंड इन योर करियर। पढ़ाई को तो छोड़ रहा हूं मैं, अगर प्योर भी पकड़ूं तो 40% ऑफ योर टाइम यू आर गोइंग टू, या 40% 40 इयर्स ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन योर करियर। मैं तो भाई मर जाऊं पर ऐसी जगह पर स्पेंड नहीं करूंगा टाइम जहां पर हर रोज 8 घंटा या 10 घंटा जाना मेरे लिए तकलीफ का काम है। मैं इधर जब भी आता हूं बैठता हूं, मजाक नहीं बता रहा, एक दिन ऐसा नहीं गया कि जब मेरे को मलाल होता है कि यार इधर क्यों आया मैं, क्योंकि तो मुझे खुशी होती है। एक दिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत भी हेक्टिक हुआ तो सुबह उठना है तो ऐसे चिड़चिड़ हो रही है, खुश होकर आता हूं इधर। इधर संडे को भी आ गया तो मेरे को किरकिर नहीं है, मतलब एक बार भी किरकिर नहीं है। तुम बोलेंगे पैसा मिल रहा है, सर घंटा पैसे का नहीं है रे रोल, नहीं है, इट्स अबाउट आई एंजॉय इन दिस डोमेन, एंड आई वुड टेल यू दैट फॉलो दैट पैशन विच योर हार्ट सेज। उसके लिए किसी की मत सुनना, जो आपका दिल कहता है वही करना, भले झाड़ू मारने का दिल करे तो झाड़ू मारना। ये यू कैन विन में शिव खेरा ने लिखा ना, इफ अ स्ट्रीट स्वीपर लिव्ड हियर ही शुड स्ट्रीट द ही शुड स्वीप द सीट लाइक एवरीवन इन द हेवन शुड पॉज एंड से हियर लिव्ड अ ग्रेट स्ट्रीट स्वीपर हु डिड हिज जॉब हिज वेल। कुछ भी काम करो, कोई काम बड़ा छोटा नहीं है, बट जहां पर दिल लग जाए ना, जहां पर मन लग जाए वही काम करना। And I am following the same strategy for my daughter also. So, उसको भी कुछ भी नहीं, freedom, पूरा बिंदास। उसको क्या करना है? वो करेगी जो करना है वो उसको। उसमें क्या है? मेरा दोस्त बोलता है, दो वक्त की रोटी तो कुत्ता भी कमाता है। जिंदा तो कुत्ता भी रहता है ना, बिना कपड़ों के, ठंडी में, बारिश में, गर्मी में, वो जुगाड़ कर लेता, फिर क्या है, किस बात की चिंता है। Bright Limited acquired 30% of East India Limited shares. Hey, padme. Bright Limited acquired 30% of East India Limited shares for 2 lakh on 1/6/21. By such an acquisition, Bright Limited can exercise significant influence over East India Limited. During the financial year ending 31st March 2021, East India earned profits of 80,000 and declared a dividend of 50,000. Beta ji, jo profit kamaya hai, usko hum kya karenge? 30% शेयर ऐड करेंगे और 50,000 जो डिविडेंड रिसीव्ड है उसका 30% लेस मारेंगे। ईस्ट इंडिया रिपोर्टेड अर्निंग ऑफ 3 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2022, अज्यूमिंग प्रॉफिट अक्रू इवनली एंड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 60,000 ऑन 12/6/22।
अपने बाप का क्या जा रहा है, जो प्रॉफिट हुआ वापिस क्या करेंगे, ऐड। बट बेटा जी एक ही मसला है, इन्होंने बोला ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, हे दिखता है का? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सा है, 1621, 31 मार्च 22 के ईयर के अंदर ही हुआ है, और 6 महीने जो है वो क्या है, प्री है, 6 महीने या 2 महीने, अप्रैल में 2 महीने प्री है, और बची का क्या है, पोस्ट है। और जिस दिन नहीं, 31 मार्च 21 ईस्ट इंडिया एंड प्रॉफिट ऑफ 80,000, ये लास्ट ईयर का है क्या भाई, ये लास्ट ईयर का है, और डिविडेंड डिक्लेयर किया फॉर लास्ट ईयर ही, से यस, ये 3 लाख करंट ईयर है क्या, बोलो भाई हाँ। और बेटा जी एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड 60,000 ऑन 12/6/22, इसको बोलेंगे इग्नोर खुली आंखों से। वाई इग्नोर? ये प्रपोज्ड, देखो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा बट बहुत आसान है। माई तुमको कुछ कुछ चीजें पूछता है वो तुम मुझे बता दो, बता सकते हैं? पहले तुमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखना पड़ता, लेस शेयर कैपिटल करना पड़ता, लेस क्या करना पड़ता, रिजर्व्स एंड सरप्लस कर देते, और फिर उसके बाद में गुडविल निकाल देते। गुडविल का कैलकुलेशन बिल्कुल वही करना जो आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया। तो अगर तुम चाहो तो फॉर्मेट भी वही यूज कर लो, शेयर कैपिटल लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड और वगैरह वगैरह कर लेना। सेस वो जब एक बार हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना बेटा जी, गुडविल का पोर्शन कितना आपको पता चल गया उसका डिस्क्लोजर दे देना। फिर उसके बाद में ध्यान में रखना प्रॉफिट्स क्या करेंगे, ऐड। डिविडेंड डिक्लेयर क्या करेंगे, लेस। प्री और पोस्ट का कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़ जाए, फिर कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नाउ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा जी किसके बेसिस पर है, AS 13। मैंने AS 13 अभी तक पढ़ा है आपको नहीं, बट एक हिंट दे दूं क्या, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज सब्सट्रैक्टेड एज पर AS 13। बोलो इंग्लिश में, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज सब्सट्रैक्टेड एज पर AS 13 फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बराबर है? तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, उसमें से क्या लेस कर देंगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। गुडविल का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्राइट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22। अगेन वेरी सिंपल, क्या करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेंगे, ऐड क्या करेंगे प्रॉफिट, लेस क्या करेंगे डिविडेंड, आपको आंसर मिल जाएगा, और जो कुछ भी गुडविल का डिस्क्लोजर है वो दे देंगे। व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑन 36/22 इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 36/22 क्यों, 12/6 को डिविडेंड दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, लेस। हैप्पी? सो अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करने के पहले एक बार आंसर देख लेते हैं। पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सो बेटा जी 2 लाख है, अच्छा ये किसके हिसाब से, AS 13, और उसमें से क्या लेस किया हमने, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो हमें क्या मिल गया बेटा जी, कैरिंग अमाउंट। अब बेटा जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो दे रखा है 2 लाख, ये 1 जून का है क्या, इसके पहले वाला साल कौन सा था, 31 मार्च 2021। देखिए 31 मार्च 21 के लिए कोई डिविडेंड दिया है क्या, दिया है क्या, तो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जज्बात को जागा करो और मुझे बताओ ये प्रिय की पोस्ट है, ये प्रिय की पोस्ट है, क्योंकि अपना एक्विजिशन 1 जून है, 1 जून के आगे का कोई भी डिविडेंड मिलेगा तो पोस्ट है, उसके पहले का कोई भी मिला तो क्या है, प्रिय है। अच्छा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जज्बात को जागे करो वापस, मुझे बताओ प्री एक्विजिशन डिविडेंड मैं क्या सिखाया आपको, लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कबूल है क्या नहीं है? बेटा ऐसे भी डिविडेंड लेस ही चोता, बट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AS 13 फॉलो करना पड़ता, और AS 13 में मैं बताऊंगा आपको कि आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता, लेस। एसोसिएट में तो इजी है भे, सारे डिविडेंड जो भी रिसीव्ड है माइनस, प्री है कि पोस्ट है, अब तुमको डिसाइड करना है, तुमको 2 डिवीजन करना है तो प्री करके पहले लेस कर दो और पोस्ट बाद में लेस कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट दोनों ही लेस होंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मुझे नहीं समझा पर AS 13। प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज वॉट, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वॉट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पक्का? तो लिख दीजिए, हेडिंग लिखे इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ईशांत का क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, सर पर इससे बाहर कैसे निकले, खुद का डिसीजन कैसे ले, ऐसा लगता है कि खुद कुछ नहीं आता,
इसलिए सबको पूछते हैं, गधा है, तुझसे बेहतर तेरे बारे में और कोई नहीं जानता, और मुझ पर भरोसा नहीं है, तो तेरे नाक को किसी और को बोल दे कि उसको चेंज करने के लिए कुछ बोले, वो चेंज नहीं होगा, उसका डीएनए ही काम करेगा जैसे बढ़ना है, तेरा स्किन टेक्सचर, तेरा कलर, सब कुछ तू खुद डिसाइड कर रहा है, ये सत्य है, समझे? सो सैड। क्या लिखा भाई ये? इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AS 13, इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AS 13, ओके, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज व्हाट? सब्सट्रैक्टेड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इको नहीं भाई, मैं भी तीन चार बार बोल रहा था, इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिख दिया, सो लिख दीजिए, देयरफॉर ये वाला आंसर लिख दो, फर्स्ट वाला, फिर दूसरा वाला करते हैं, देयरफॉर लिख दो, कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 2 लाख लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड 50,000 इंटू 30%, और ये 50,000 कौन से ईयर के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, बरोबर है ना बड़ा? ये पागल कौन आवाज निकल रही भी? हिल मत ना फिर, शट अप, आर यू डन? नाउ लेट्स गो ऑन, ये पहला वाला लिख दिया है 185, बेस्ट है तू एकदम, ये पब्लिक नीचे का नहीं लिखने का, पहला वाला ही लिखना है, सेकंड वाला देखिए अभी बेटा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्राइट लिमिटेड। अब बेटा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करेंगे हम? अभी आपके पास दो ऑप्शन है, आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली 2 लाख लिख सकते हो, या हम ये बोल सकते हैं कि कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा दोनों में ट्रीटमेंट तो सेम ही है ना यार, आप 185 लिखोगे, इसका मतलब क्या है बेटा जी? क्या आपने प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस कर दिया? यस, नहीं करना मेरे बाप का, क्या जा रहा है? 2 लाख लिख दो, फिर जो डिविडेंड रिसीव है वो क्या कर दोगे? माइनस, कबूल है। सो इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने दिखा दिया कॉस्ट ऑफ, सॉरी कैरिंग अमाउंट ऑफ द, कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्रीड? नाउ राजा बेटा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका प्रॉफिट कितना है करंट ईयर का? 3 लाख है क्या? क्योंकि इन्होंने कौन से तारीख का पूछा? 31st March 2022। ए भाई कैरिंग अमाउंट कितना है? 3 लाख। टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 3 लाख इंटू 10/12। वाई 10/12? वाई 10/12? क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट जोड़ना है ना, कितना आएगा? इंटू कितना परसेंटेज? इंटू 30%। सो क्या मैं बोल सकता हूं 75,000 आ गया भाई? मैंने यही तो बोला था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐड क्या करेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट। नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन सा बेटा जी? करंट ईयर का। से यस, डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? और राजा बेटा जी इधर कितना आ जाएगा? कैरिंग अमाउंट 2,60,000। ध्यान से सुनना, जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, जो आप लेते थे वो किसके लिए लिया करते थे अपन? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। और मैंने शब्द क्या यूज किया था? प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो, दोनों ही क्या होते हैं? माइनस। एक बार बोल के बताओ, प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, दोनों ही क्या होते हैं? माइनस। यही बात बोली थी मैंने,
बेस्ट है। अब राजा बेटा जी उसके बाद में हमें डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, कितना डिविडेंड रिसीव्ड हुआ नेक्स्ट 60,000 हुआ क्या? बेटा हमें पूछा गया 30 जून को बताओ, तो बेटा जी 60,000 का मुझे कितना मिला? 30%. कितना 30%, तो बताओ 60,000 का 18,000। अभी प्रॉफिट तो कुछ बताया नहीं, प्रॉफिट कुछ ऐड नहीं होगा, प्रॉफिट तो ऐड कर लिया ना अभी, 3 लाख का 10 मंथ्स का निकाला, तो 1 जून के आगे का प्रॉफिट निकल गया था। प्रॉफिट को क्या किया? ऐड, और उसमें से क्या लेस कर दिया हमने? डिविडेंड। ये देखियो ये डिविडेंड रिसीव 60,000 इंटू 30% 18,000, ये 242। ए रसगुल्लो, मैंने आपको क्या बोला था, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड दोनों ही क्या होते हैं? लेस। डू यू एग्री? तो चलो लिख लेते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1,85,000, ये कौन सा तरीका? 31 मार्च 2022। एड शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर कितना आएगा बेटा जी? 3 लाख इंटू 10/12 ब्रैकेट क्लोज इंटू व्हाट बाय व्हाट? 30% ना, यू मीन 75,000 ये ऐड हो गया था, सो 1,85,000 2,60,000 ये इन्वेस्टमेंट कौन से तरीके हो जाएगा? एज ऑन 31 मार्च 2022। फिर हम क्या करेंगे? लेस डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड कितना है बेटा जी? डिविडेंड रिसीव 60,000 इंटू 30% 18,000। एग्रीड? टू लैख 42,000। Is that okay? Yes, sir. आगे एक नोट लिखो, गुडविल और सीआर इज नॉट कैलकुलेटेड एज नॉट आस्क्ड, गुडविल और सीआर इज नॉट कैलकुलेटेड एज नॉट आस्क्ड, गुडविल और सीआर इज नॉट कैलकुलेटेड एज नॉट आस्क्ड। बेटा इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मैंने इधर गौरबोर लिख दिया, ये काटना पड़ेगा आपको, ये लिखा था ना आपने, ये प्री को काटना पड़ेगा, ये मुझे डिविडेंड पेड प्री और पोस्ट इधर लिखना था, वो मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट में लिख दिया था, मेरे को लगा ही था कि कुछ मिस्टेक हुआ है उधर। शुरुआत में पढ़ाते वक्त मैंने दिखा था, देखो डिविडेंड प्री और पोस्ट दोनों माइनस होंगे, अभी डिविडेंड प्री माइनस करने के लिए आप पहले माइनस कर दिखा सकते हो, डिविडेंड प्री और पोस्ट दोनों माइनस होंगे, बट शेयर और प्रॉफिट से पोस्ट ऐड होगा। कबूल है? और गुडविल का वर्किंग तो मैंने ऑलरेडी दिया था ना, हाँ, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। ए रसगुल्ला अभी सुनो ना, अगला और एक क्वेश्चन है आपका, क्या संडे वगैरह मैंने क्या बात किया है? 7:30 के पहले तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, आवाज मत कर बे, 6 हेडिंग लिखिए, व्हेन एसोसिएट सफर्स लॉस, व्हेन एसोसिएट्स सफर्स लॉस। कल गया था हमने एक क्वेश्चन ऐसा, लॉसेस होते तो एमआई कहां तक मैक्सिमम पहुंच सकता है? जीरो तक? नेगेटिव लिख सकते क्या? वैसे एसोसिएट में भी है, अगर लॉसेस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड कर रहे थे ना, वैसे शेयर ऑफ लॉस क्या करते? माइनस। बट अगर लॉसेस से एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नहीं दिखा सकते, तो क्या दिखाएंगे? निल। और जो कितना भी लॉसेस है वो वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट होने के बाद में, जितने लॉसेस एब्जॉर्ब नहीं किए थे वो रिवर्स होने के बाद में आप एसोसिएट को वापस दिखाना शुरू करोगे, सही है सर? नो, मतलब जो एमआई है, एमआई का उल्टा इधर चलेगा। लेट्स सी, ए लिमिटेड एक्वायर्ड
40% share in B Limited on 1st April for 10 lakhs. On that date, B Limited had 1 lakh equity shares of 10 each, fully paid an accumulated profit of 2 lakh. इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी तो लो कैलकुलेटर पर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच मतलब 10 लाख 10 लाख और 12 लाख क्या बे 12 लाख का 40% कितना था 4,80,000 क्या आई झंडू तूने कितने में एक्वायर किया है 10 लाख माइनस 4,80,000 कितना रहा 5,20,000 है क्या है क्या अबे 5,20,000 है क्या यस सर नहीं क्या है क्या ये गुडविल है क्या ये लियो गुडविल है स्वीकार है सो हमारी वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर है हमें हम गुडविल लिख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे कैसे निकलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस शेयर कैपिटल प्रोपोर्शनल शेयर लेस प्री एक्विजिशन रिजर्व फिर क्या होता है ये पुट्टे को लॉस हो गया 10 लाख का 40% 4 लाख क्या करेंगे माइनस फिर 12,50,000 का 40% 5 लाख पहले 4 लाख लेस किया था अभी 5 लाख बैलेंस 1 लाख बचा होगा 10 लाख कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था अरे बोलो भैया ठीक है बता लिख कर दिखाना पड़े आगे कितना लॉस हो 5 लाख 5 लाख का 40% कतना लेस करेंगे 1 लाख क्योंकि उसको नील बताकर छोड़ देंगे चलो लिखो पहला सॉरी गुड़िया आई एम लिविंग बेटर आई अंडरस्टैंड योर पेन आई एम सॉरी आई कंप्लीटली सिंपथाइज विद यू बट आई एम जस्ट आस्किंग यू किसने बोला था कि जाओ बेटा सीए करो बहुत स्कोप है उसको पकड़ो एक बार जाके साले तू भी कर मेरे साथ एक बार कॉम्पिटिशन ऑफ गुडविल और सीआर जरा एक बार बेंचेस को फील करो कितनी कड़क है देखो इधर आकर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बताओगे मुझे कितना है फिर लेस करेंगे शेयर कैपिटल मम्मी शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख का बिल्कुल सही जवाब 4 लाख लेस प्री एक्विजिशन रिजर्व लिख दो तुम्हारे लिए रिजर्व लिख दो हाँ लिखो रिजर्व लिखो कितना है रिजर्व कितना है कभी तुम्हें पता है मेरी बहुत याद आएगी तुमको एग्जाम में नहीं एग्जाम में मैं बोल रहा था एसोसिएट के बारे में तुमको मजा छूच रही थी सर पोस्ट की ओनली इन शेयर ऑफ प्रॉफिट रीजन क्योंकि गुड़िया जो इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया था प्री एक्विजिशन का पैसा देकर ही एक्वायर किया था ना अभी गुडविल निकाल तो प्री एक्विजिशन का ही माइनस कर रहे ना तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्वायर करेगा तो अभी तक के जितने भी प्रॉफिट मुनाफे जो कुछ भी है उसका पूरा पैसा देकर ही बाय करेगा ना तो प्री एक्विजिशन इज ऑलरेडी उसको रिसीव्ड हो चुका है वो इन्वेस्टमेंट में ले चुके हैं पोस्ट से एड होना शुरू होता है चलिए अभी दूसरा लिखते हैं बेटा जी हम क्या लिखेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट AS 23 सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ए जोन 1421 10 लाख अच्छा वो जो गुडविल का तरीका था मैंने बोला था कि ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्लूडिंग गुडविल कितना 5,20,000 स्वीकार है फिर हम करेंगे लेस शेयर ऑफ लॉस बेटा 10 लाख इंटू 40% 4 लाख माइनस हो जाएगा डिविडेंड का तो कोई सवाल ही नहीं है कितना आएगा 6 लाख तो हम करेंगे इसको कैरिंग अमाउंट ए जोन 31st मार्च
2022, बेटा अगर कोई पूछे इस 6 लाख में कितना गुडविल है तो आप कितना बोलोगे? 5,20,000 ही ना, फिर लेस शेयर ऑफ लॉस, बेटा व्हाट इज द लॉस इनटू हाउ मच? 40%. कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? शेयर इसे 5 लाख लेस 1 लाख. सो बेटा जी कैन आई नॉट से कैरिंग अमाउंट ए जोन 23 ए पांडे, ए पांडे ध्यान से सुनना, इधर है ना फचकना मत कि सर 1 लाख में गुडविल इंक्लूडेड है 5,20,000. वो एग्जामिनर कोमा में जाएगा. समझ में आया ना? वो राइट ऑफ होते होते अभी 1 लाख बच गया है. तो ऐसे येड़े चाले नहीं करने का. इधर लिख सकता है मैं इधर तक कि गुडविल कितना इसमें 520. इधर गुडविल गई, अभी उड़ गई गुडविल. समझ में आ रही है ना बात? नहीं समझा है? बेस्ट है बेटा. अब ये हर बार मैंने आपको क्या बताया था कि एसोसिएट का जितना भी गुडविल है ब्रैकेट में डिस्क्लोज करना पड़ता है. अब पहले ईयर में आप गुडविल दिखाओगे 520, परफेक्ट है. दूसरे ईयर में 6 लाख तक का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो 520 क्या दिखा सकते हैं गुडविल? परफेक्ट है. अबे 1 लाख बचा उसमें 520 गुडविल कैसे बोलेंगे? अबे एग्जामिनर छोड़, पप्पा मारेंगे पकड़ के. और आगे क्या करेंगे? लेस अगरबत्ती शेयर ऑफ लॉस. कितना पे? 5,40,000 × 40% 2 लाख. बट क्या हम 2 लाख लेस करने की औकात है क्या हमारे पास? हम कितना लेस करेंगे? इज इक्वल टू 2 लाख रेस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख. सो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है, इसको है ना बहुत पेल पेल के बताया उन्होंने. हर एक का कैलकुलेशन अलग अलग किया है. इनके बाप का राज है. कितना लिखा है, कितना छापा है एकदम. थोड़ा औकात के बाहर नहीं बोल रहे तुम? अच्छा सुन लो, मॉड्यूल का तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है. होमवर्क लो, होमवर्क लो. और कभी भी है ना इनके आंसर्स मत देखकर सॉल्व करना, तुम आप ही अभी करना. ऑरेंज 1, ऑरेंज 2, ऑरेंज 3, ऑरेंज 4, ऑरेंज 5. संडे है इसलिए रैम खा रहा हूं, छोड़ रहा हूं. अबे क्वेश्चन सेम है यार, देख लेना जाके. चलो प्रेम से बाय बाय बोलो.